नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल यादव एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्पेक्स में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्पेक्स DRSPECTS को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आई और आपके चश्मे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको मिलती रहे। अभी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि वो अपने लेंस को कैसे पहचानेंगे कि उनका लेंस अनकोट है, हार्ड कोट है, एंटी रिफ्लेक्टिव है या ब्लू कट है। तो ब्लू कट वाले जो भी लेंसेज हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूं, तो आप पीछे देखें मेरी वीडियोस में, आपको उसमें पूरा आंसर मिलेगा कि ब्लू कट को आप कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे पहचान पाते हैं। अब बाकी लेंसेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ही वेराइटी जो आती है अनकोट, यहां पर एक बात बहुत जरूरी है जो आप जान लें कि आज की डेट में हम जो भी लेंस यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक लेंसेज हैं। कांच के लेंसेज हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि कांच अब इतना प्रचलन में रहा नहीं है और कांच से हमें नुकसान ये था कि वो अगर गिरेगा तो टूट जाएगा या वो आई को भी डैमेज कर सकता है। ए पार्ट ऑफ इट अगर हम प्लास्टिक लेंसेज की तरफ देखेंगे वो आईज के लिए सेफ हैं, गिरने पर टूटते भी नहीं हैं, हालांकि उनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है कांच के लेंसेज से, फिर भी वो थोड़े अच्छे हैं आपकी अपनी आई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं अनकोट। अनकोट एक ऐसा लेंस है जो प्लास्टिक का रॉ लेंस होता है, उस पर पावर डाल दी जाती है और किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की जाती है। जो नॉर्मली मैं आपको दिखाऊंगा कि वो दिखने में कैसा दिखता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा दूसरा जो लेंस आता है डेट इज कॉल्ड हार्ड कोट लेंसेज। अब हार्ड कोट क्या होता है? हार्ड कोट एक वो कोटिंग होती है जिससे आप अपने प्लास्टिक लेंस को स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाते हैं कुछ हद तक। ऐसा नहीं है वो स्क्रैच प्रूफ नहीं होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। मैं आपको एक बार ये क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे कस्टमर्स या पेशेंट्स ऐसे हैं जो बार बार ये बोलते हैं हमें तो ये बोला गया था कि स्क्रैच प्रूफ है। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है लेंसेज में जो स्क्रैच प्रूफ हो, इवन कांच भी स्क्रैच प्रूफ नहीं होता, उस पर भी डीपली स्क्रैचेस आ ही जाते हैं जब वो काफी बुरी तरह से कहीं गिर जाए या उससे कोई चीज रगड़ जाती है। तो प्लास्टिक तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है तो स्क्रैच प्रूफ कुछ नहीं होता, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, एक हद तक वो आपके स्क्रैचेस को रोकेगा बट उस पर स्क्रैच आने ही आने हैं। अमूमन अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक लेंसेज का लाइफ स्पैन लगभग 1.5 से 2 साल होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह रखते हैं। तो हार्ड कोट एक वो कोटिंग है जो लेंस पे हम करते हैं ताकि लेंस स्क्रैच रेजिस्टेंट रहे, उस पर स्क्रैचेस थोड़े कम आए। उसके अलावा जो इससे ऊपर लेंस आता है डेट इज कॉल्ड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग क्या होती है दोस्तों? एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एक कई कोटिंग्स का मिक्सचर होता है, लेयर्स होती हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा 8x8 लेयर, 9x9 लेयर, 12x12 लेयर, तो दीज आर द लेयर्स ऑफ कोटिंग जिसमें आपकी अलग अलग कोटिंग होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन कोटिंग, अधेसिव कोटिंग, हार्ड कोट, इस तरह की कई सारी कोटिंग मिलके एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बोला जाता है। वो लेंसेज हमारे कंप्यूटर के लिए और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे हमारी आईज को सेव करने रखने के लिए यूज किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो इससे ऊपर लेंसेज आते हैं डेट इज कॉल्ड ब्लू कट। तो ब्लू कट भी बेटर तब है जब आप उसे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ लें तो वो ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे पता लगता है ब्लू कट लेंसेज क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि आपके लेंसेज ब्लू कट हैं या नहीं है, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देख लीजिए। अब मैं यहां पर आपको सैंपल्स दिखाता हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि आपको जो भी लेंस आपने डिमांड किया है वो हार्ड कोट, जैसे आपने बोला मुझे हार्ड कोट चाहिए, आपने बोला मुझे एंटी रिफ्लेक्शन वाले लेंसेज चाहिए, आपने बोला मुझे ब्लू कट चाहिए, क्या आपको वही लेंसेज दिया गया है? क्योंकि मैंने पाया है कई बारी ऑप्टिशियंस चीट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। कस्टमर्स को पता नहीं होता, वो बता देते हैं हाँ जी सर इसमें एंटी ग्लेयर है। और दूसरी बात एंटी ग्लेयर, अब दोस्तों एंटी ग्लेयर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज। एंटी ग्लेयर का तो मतलब ये हो गया जो भी ग्लेयर आपको सामने से आ रही है वो नहीं लगेगी। क्या वाकई में ऐसा कभी हुआ है दोस्तों? आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स एंटी ग्लेयर कोटिंग, एंटी ग्लेयर कोई वर्ड नहीं होता, नॉर्मली यूजली हम लोग उसे, कई ऑप्टिशियंस है जो उसे बोल देते हैं कि एंटी ग्लेयर लेंसेज है। जो लेंसेज होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी रिफ्लेक्टिव लेंसेज, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा जो मेन पॉइंट है मैंने बताया कि स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच प्रूफ कभी नहीं होता। जो भी ऑप्टिशियंस है, ऑप्टोमेटर्स, जो भी एजुकेटेड हैं इस लाइन में और इस लाइन से बिलोंग करते हैं या उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कभी भी स्क्रैच प्रूफ वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने लेंसेज को कैसे पहचानें। तो आइए मैंने डेमो तैयार किया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए आप, ये कुछ आप देख रहे होंगे लेंसेज मैंने रखे हुए हैं, फ्रेम्स हैं और ये लेंसेज है। पहली बात तो आप ये लेंस देख रहे हैं ना, ये लेंसेज का जो साइज है, यूजुअली लेंसेज इसी तरह के आते हैं। हम लोगों में बहुत सारा इस बात को लेके मिसकंसेप्शन है कि लेंसेज जो है वो फ्रेम के अकॉर्डिंग किस तरह से आता है, बट लेंसेज एक फुल साइज का होता है, सर्कुलर होता है, राउंड होता है और इसको हम फ्रेम के हिसाब से कट करते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी फ्रेम पे बड़े आराम से, चाहे कितने भी बड़े साइज का हो,
बहुत आराम से फिट आ जाता है, छोटे में तो इजीली आ ही जाएगा। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पास इस लेंस में, अगर आप एक इसको किसी भी लाइट की तरफ करके देखिएगा, जो आपको लाइट के रिफ्लेक्शंस दिख रहे होंगे यहाँ पे कुछ, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शंस अगर आपको वाइट दिख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे इस लेंस में वाइट। अभी मैं आपको दूसरा लेंस दिखाता हूँ, ये देखिए ये दूसरा लेंस आ गया। अब आप इसमें देखिए वाइट ये रिफ्लेक्शंस देखिए, दीज आर ब्लूश, कुछ ब्लूज देखेंगे आपको, कुछ ग्रीनिश देखेंगे, ये देखो आप। तो दोनों लेंसेज में आप समझ पा रहे हो, तो जिसमें ये आपको ग्रीन कलर, ब्लू कलर, मर्जेंटा कलर, येलो कलर इस तरह के दिखते हैं, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो इस तरह की दिखती है, डैट इज़ कॉल्ड एंटी रिफ्लेक्टिव लेंसेज, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एंटी ग्लेयर बोलते हैं, ऐसा जो कि नहीं है, एंटी ग्लेयर नहीं होता, दिस इज़ एंटी रिफ्लेक्टिव लेंस, और दिस इज़ कॉल्ड हार्ड कोट लेंस। अब अनकोट और हार्ड कोट को आप नहीं पहचान पाओगे, बिकॉज वो एक टेक्निकली थोड़ा सा है उसमें, वो मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगा, बट नॉर्मली क्योंकि अनकोट चलता नहीं है, हार्ड कोट ही ज़्यादा चलता है। तो दिस इज़ हार्ड कोट लेंस जो आपको बिल्कुल वाइटेस्ट रिफ्लेक्शंस देगा जो भी लाइट दिख रही है आपको, और दिस इज़ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज। ये आपको डिफरेंस हो गया दोनों में। अब यहाँ आप देखेंगे मेरे पास चश्मे हैं जैसे ये। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपको लाइट्स के रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर आपको लाइट वाइट कलर की दिख रही है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर की लाइट है, सो दिस इज़ हार्ड कोट लेंस, इसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग नहीं है। अब इस पर आ जाते हैं, इसमें आपको ब्लूइश कलर की दिख रही है लाइट, आप टिल्ट करेंगे कहीं ब्लू दिखेगा, कहीं आपको हल्का सा ग्रीन दिखेगा, ये देखिए आप ब्लू कलर की दिख रही है, सो दिस इज़ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लू लाइट दिख रही है तो ये ब्लू कट है, ऐसा नहीं है, ये ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ब्लू कट को आप कैसे टेस्ट करेंगे वो मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें कैसे चेक करना है। सो दिस इज़ एंटी रिफ्लेक्शन। अगेन मैं आपको एक और दिखाता हूँ कोटिंग, सी दिस वन, अगर आप इसमें देखोगे तो इस हल्का सा ग्रीनिश कलर का रिफ्लेक्शन है, हल्का सा ग्रीनिश कलर का रिफ्लेक्शन है, सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज। ये ग्रीन भी हो सकता है, ये मर्जेंटा कलर का भी हो सकता है, ये ब्लू कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर के हो सकते हैं ये लेंसेज। सो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारे, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम आपको हार्ड कोट और एंटी रिफ्रेक्टिव लेंसेज को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि जो आप लेंस यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा लेंस है और क्यों ज़रूरी है आपको, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हार्ड कोट हमें कहाँ ज़रूरत होती है और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लेंसेज हमें कहाँ ज़रूरत होती है, या ब्लू कट की हमें कब ज़रूरत है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। इसके साथ आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्त, स्टे फिट ईट हेल्दी, नमस्कार फ्रेंड्स।